हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइनमैन साथियों, कैसे हो सभी? आप दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे और ALM रिजल्ट की अपडेट की वेटिंग कर रहे होंगे। तो इसके अंदर आपको जैसा कि आज पता है कि आज संडे है और संडे को हम जो है कमेंट हमारे जो करते हैं उनको रेंडमली तरीके से उनके आंसर देते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है ALM कैंडिडेट क्वेश्चन, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है ये है अजय मुंडे का, 3 दिन पहले। ऑब्जेक्शन वाले मार्क्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे या आएगी सर लिस्ट? देखिए ऐसा है अजय मुंडे जी, आपका जो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसका ऑब्जेक्शन वाले जो मार्क्स हैं वो पहले ही रिवाइज करके की को और जब वो आपके एग्ज़ाम का जो OMR शीट थी उसको चेक किया गया था, तो इसमें जो ऐड होने थे या सब्ट्रैक्ट होने थे वो हो चुके हैं। नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कहते हैं कि आर के ग्रुप 48+5 BCB एनी चांस, तो यानी कि इसके नंबर हो गए भाई 53। तो ऐसा है आर के ग्रुप, आपके चांस काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो रवि यादव जी लिखते 5 दिन पहले, सर ऐसे GSO में BTech वाले एलिजिबल हैं क्या? ऐसा है भाई, GSO का जो पोस्ट होती है वो पॉलिटेक्निक और BTech के ऊपर ही होती है, ठीक है, ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर की। और SC की जो पोस्ट होती है वो अपनी ITI के ऊपर होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं रेखा गिल क्या लिखती है। सर जिसके पास 13 नवंबर को पेपर आया था वो पढ़ के गए थे, उनका क्या होगा? कुछ नहीं, ये ऐसा है कि देखिए 14 तारीख का अपना एग्ज़ाम था और 13 तारीख को जिसके पास पेपर आया था वो पढ़ के गए थे, उनको क्या होगा? अभी देखिए इस बात का हम क्या कन्फर्म कर सकते हैं कि एग्ज़ाम लीक था या नहीं लीक था। अगर था जो पढ़ के इस तरह से गए तो उनके नंबर तो बहुत ही ज़्यादा आएंगे। अगर पेपर लीक नहीं था या आपने भी कोई सुनी है किसी के पास से बातें, तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक पॉसिबल है कि पेपर इतना लीक नहीं था, अगर पेपर अगर 13 नवंबर को ही आ जाता रेखा, तो 14 तारीख को सीटर बिठाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, जैसे कि रामपाल ने बिठाई थी। अब वायरल रील वाले क्या कहते हैं, ये देखिए, गुरु जी ये यूट्यूब वाले 50-60 बना बना के वीडियो अपलोड कर देवे हैं, राजसी और नेता के बाढ़ लाग जाऊंगे सबको, मेरा 50 से ऊपर ना जाने। वायरल रील जी, आपने काफ़ी अच्छा लिखा कि यूट्यूब वाले बना बना डाल देते हैं। भाई देखो औरों को मैं क्या कह सकता हूँ, जो कट ऑफ बच्चे जानी है वो तो जानी ही है। ठीक है, अभी किसी को भ्रम में डालना वो भी एक गलत बात है। और नेता के बालक लग जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी योग्य उम्मीदवार लगेंगे। राजवीर मलिक जी लिखते हैं, सर नो जो फॉर्म पर तहसीलदार के साइन नहीं थे, मोहर लगी हुई थी, कैंसिल कर दिया फॉर्म, क्या कुछ हो सकता बोर्ड में जमा कुछ सोल्यूशन? देखिए ऐसा है राजवीर जी, DV का मीनिंग यही होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप जो देते हैं उसके अंदर, तो आप वो पहले ही इतने दिन पहले ही बता दिया था कि तहसीलदार का जो मोहर लगी और साइन होनी चाहिए उस पर, लेकिन आपने उस पर गौर क्यों नहीं किया? तो अभी वहाँ आपको DV में जा कैंसिल किया था, वहीं आपको जाकर अपना पता करना था DV में, जब आपको कैंसिल किया कि अब इसको मैं कहाँ जमा कराऊँ, ऐसे SSC के हेल्पलाइन नंबर पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मीत तंवर जी लिखते हैं, BCB 43+5 950-5 ऑब्जेक्शन। ठीक है, इस हिसाब से तो इनके 53 नंबर हो गए भाई, लेकिन ये ऑब्जेक्शन वाले नंबर गलत लगाए बैठे हैं क्योंकि उनसे घट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर भगवान करे आपका हो जाए, ठीक है, इसके अंदर लिस्ट के हिसाब से जैसे आपने लिखा है। अमित यादव जी लिखते 3 दिन में, सर लगभग ऑब्जेक्शन में कितने क्वेश्चन माने HSC ने? अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि माने नहीं माने। हाँ ये क्लियर है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन को माना है कि आंसर की में गलत थी और उसके बाद हमारी OMR शीट चेक की गई थी। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट लिखता है भाई, RTI लगाकर ऑब्जेक्शन के नंबर पूछ लो कितने नंबर माने हैं। RTI आप लगा सकते हैं, खुश नसीब आप लगा कर पूछ सकते हैं, जो बच्चा पूछना चाहता है वो बता देगा, जैसे जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, अभी देवेंद्र मान जी लिखते हैं, ALM उत्तरी हरियाणा बिजली इंडिपेंडेंट एक्स सर्विस मैन जनरल से सर 52 मार्क्स है, क्या चांस है? वही 52 मार्क्स डिपेंडेंट है, DESM है, तो आपका आराम से हो जाएगा भाई, 100% चांस है आपके होने के, बल्कि मैं तो कहता हूँ 101% चांस है। रवि यादव जी कहते हैं, सर SC GSO में BTech वाले वही है? हाँ भाई एलिजिबल हैं। ठीक है, GSO में, SC में नहीं, GSO में BTech वाले ही होते हैं। तो ये दोस्तों आज की कुछ कमेंट थी जिसमें हमने आपके क्वेश्चनों के आंसर दिए।
और कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट वही 15 मार्च के आसपास आएगा। अपनी जो है जिज्ञासा उत्सुकता बनी हुई कि रिजल्ट कब आएगा, उससे पहले देखिए हर रोज़ एक रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे MPSW का आया हो रहा है, तो उसके कारण भी आप रोज़ की कट ऑफ देख रहे होंगे उनकी कि कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है, तो उसके ऊपर भी एक नए अपडेट के साथ एक रिजल्ट की कट ऑफ की वीडियो बनाता हूँ मैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।